विदिशा में मृत बच्ची के परिजनों ने ड्यूटी नर्स पर लगाया लापरवाही का आरोप, महिला ने दिया मृत बच्ची को जन्म। किसी भी माता पिता के लिए बच्चा उनके जीवन से अधिक मूल्यवान होता है, किंतु कई अस्पताल इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं। ऐसा ही एक मामला आया है विदिशा के पठारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, जहां सोमवार को प्रसव के दौरान बच्ची मृत पाए जाने पर मृत बच्ची के पिता इमरान राइन, माँ आफरीन बी और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिवार ने लापरवाही और बदसलूकी के आरोप ड्यूटी नर्स पर लगाए। उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे महिला को प्रसव के लिए पठारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाए थे। अस्पताल में कोई मौजूद ना होने पर महिला दर्द से तड़पती रही। 7 से 8 बजे पर प्रसव होने पर महिला ने मृत बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद परिजनों ने लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग की है। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। हमारे साथ 4 बजे हम बहू के इधर डिलीवरी होनी थी, तो हम अस्पताल लेकर गए और उधर बहू दर्द से तड़प रही थी, तो मैंने सफाई कर्मचारी से कहा कि आप सिस्टर को बुलाइए, तो वो कहने लगी कि अभी रुक जाओ, 1 घंटा है टाइम। फिर इसके बाद 6 बज गए, मैंने फिर कहा इधर नंबर भी नहीं लिखा है और मेरी बहुत दर्द से तड़प रही है, तो आप नंबर हो तो नंबर दे दो। तो उनने मेरे लिए नंबर दिया, तो मैंने फ़ोन लगाया और फ़ोन लगा कहा, सुबह कहने लगी मैं आ रही हूँ, रुक जाओ 10-15 मिनट, तो वो फिर भी नहीं आई। फिर मैं 7:45 बजे उनके घर गया, घर जाकर मैंने कहा, सुबह ये कहने लगी मैं 3:30 बजे आई हूँ, मैं अभी चलती हूँ, फिर भी नहीं आई। लेकिन मैंने उनसे बहुत सारी बातें कही कि भाई चेक कर लो, आप जैसी स्थिति बने वैसा मेरे लाने आप बताइए। तो वो कहने लगी मैं 2 सिस्टर हूँ, तो मैं इतना नहीं झेल पा रही हूँ। लेकिन उनने समझा बुझा कर और हमें डांट कर भगा दिया। कहने लगी कि किसने तुम्हें नंबर दिया है, आप कैसे घर आए हो, इनके ये बोलचाल थे, इसलिए हमने इतना वो किया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होती। इनके कारण ये मुसीबत झेलने पड़ रही है हमारे लिए, अगर ये आ जाती तो ये नौबत नहीं आती। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।